हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की होने वाली है तीसरी एपिसोड। तो गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने डिलोफोसोरस की आर्मी बनाई थी। एंड उस आर्मी से जो है हम लोगों ने जितने भी अपने आसपास के एनिमी थे सारे के सारों मार दिए। तो आपको पता ही होगा कि भाई पहले दिन जो है अपने साथ बंगा लिया था कार्बोनोमीज ने। तो यार अपने डिलोफोसोरस की आर्मी ने इसका क्या ही भूत निकाला भाई। अपने को काफी ज्यादा मजा आ गया था। बट काफी ज्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई आपने डिलोफोसोरस की आर्मी तो बना ली है, अब ऐसे करो रैप्टर की आर्मी बनाओ। मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा एंड मैंने डिसाइड करा रैप्टर की आर्मी बनाना तो बनता ही है, बट उससे पहले मेरे को रैप्टर टेम करना पड़ेगा। एंड रैप्टर तो हम लोग वैसे टेम नहीं कर सकते। रैप्टर को टेम करने के लिए डेफिनेटली गाइस अपने को वुडन क्लब से नहीं चलेगा, सो मुझे बो एंड एरोज चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपने के लिए बो एंड एरोज अनलॉक कर लेता हूँ। एंड साथ के साथ हमें ट्रैंकुलाइजर एरोज भी अनलॉक करना पड़ेगा, नार्कोटिक्स भी अनलॉक करना पड़ेगा, काफी ज्यादा काम है। तो ऐसे करते गाइस सबसे पहले हम लोग अनलॉक करते हैं मोर्टार एंड पिस्टल, उसके साथ साथ हम अनलॉक करेंगे नार्कोटिक्स। एंड साथ में क्या है, अभी मेरे को बो एंड एरोज भी करने हैं। ओके गाइस, ये रहा, तो इसको भी हम लोग अनलॉक कर लेते हैं। आई थिंक अपना लेवल तो काफी है ना। ठीक है गाइस, ये बो एंड एरोज भी अनलॉक हो चुका है अपना। और मुझे एक ट्रैंकुलाइजर एरोस चाहिए जिससे हम लोग इसको अनकॉन्शियस करेंगे, ये रहा। तो ठीक है गाइस, अपन लोगों ने जो जो चीज हमें चाहिए वो अनलॉक कर लिया। बट अभी अपने को सबसे पहले अपने के लिए मोर्टार एंड पिस्टल बनाना है, तो मैं चलता हूं अंदर। ऑलरेडी गाइस मैंने थोड़ा बहुत रिसोर्सेस फार्म करके रखा हुआ है, तो इस बॉक्स में हमने कुछ नहीं रखा क्योंकि इस बॉक्स में हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूं। एंड इस वाले बॉक्स में गाइस हम लोगों ने थोड़ा सा रिसोर्सेस रखा है जैसे कि स्टोन, पर मुझे अभी स्टोन चाहिए तो मैं 100 का स्टैक उठा लूंगा। स्टोन रखा हुआ है हमने, फ्लिंट रखा हुआ है एंड आयरन। तो आयरन मेल्ट करने के लिए हमें फर्नेस बनानी है, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। एंड इस वाली फर्नेस पे क्या है, तो देखो गाइस इसमें मैंने रखा हुआ है थोड़ा सा थेच, वुड एंड फाइबर। फाइबर अपने पास डेफिनेटली गाइस काफी ज्यादा हो जाता, बट अपना मोटू जो है वो पिछले बारी एपिसोड में मारा गया था, तो हम लोग मोटू दूसरा टेम कर लेंगे। एंड इसमें थोड़ा सा अपना हाइट वगैरह है जो कि अभी काम आएगा। सबसे पहले तो गाइस जो है ना मैं अपने के लिए मोर्टार एंड पिस्टल बनाता हूँ। देखना पड़ेगा मोर्टार एंड पिस्टल के लिए अपने को क्या क्या चाहिए। तो ओके गाइस, अपने पास स्टोन तो लगभग सारा है, तो मुझे लगभग 15 हाइट चाहिए। ऑलरेडी अपने पास है हाइट, तो ठीक है इसको फटाफट से हम लोग क्राफ्ट करते हैं। एंड इसको मैं कहां पे प्लेस करूं, ऐसे करते गाइस अपने बेड के सामने, ओके इस कोने में हम लोग इसको प्लेस कर लेंगे। तो इसको रखता हूं मैं अपने हॉट बार में। एंड यहां पे सब लोग इसको यहां पे प्लेस करेंगे। आई थिंक क्राउच होना पड़ेगा मुझे। ओके देखो मैं बोला था ना। तो फाइनली यार यहां पे अपन लोगों ने मोर्टार एंड पिस्टल प्लेस कर लिया है। अभी जो है ना अपने को देखना पड़ेगा नार्कोटिक्स कितने बनेगा भाई। भाई इसको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं गाइस, ये मोर्टार एंड पिस्टल एक्सेस क्यों नहीं हो रही है मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो गया इसमें। देखो ये सारे के सारे एक्सेस ले पा रहा हूं, बट कोई नहीं, चलो हम लोग एक और बना लेंगे। यानी उसे जो है ना हम लोग बाहर में प्लेस करेंगे, यहां पे अभी प्लेस नहीं करना है, किसी लोकेशन में जहां से हम लोग इसको इजीली एक्सेस कर पाए। स्कैम हो गया बाबू भैया, स्कैम। बट कोई नहीं गाइस, अपने पास रिसोर्सेस है तो हम लोग दूसरा बना लेंगे। तो इसको मैं ऐसे करूंगा, यहां पे प्लेस करूंगा, अब वो नहीं करना है अपने को। ओके यार अब आने लगा। तो देखते गाइस अपने को नार्कोटिक्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मुझे नार्कोटिक्स बनाने के लिए लगभग चाहिए होगा थोड़ा सा स्पॉइल मीट एंड नार्को बेरीज, एंड जो कि मेरे पास नहीं है, आई थिंक अपने पैरासोरस की इन्वेंटरी में होगा, देखता हूं। चलो गाइस अपने को 17 तो मिल चुके हैं, फटाफट से जितना नार्कोटिक्स बनेगा बना लेते हैं। और उसके बाद मेरे को बो एंड एरोज भी बनाना है, बट अपने पास है सारा सामान, ड्रग्स बनाने अपने को। ओके गाइस 14 बन रहे हैं। तो फाइनली अपन लोगों ने ये तो क्राफ्ट करने लगा दिया है, जल्दी क्राफ्ट हो जाएगा। सो उस सबसे पहले अभी मैं अपने के लिए बो बनाऊंगा एंड साथ के साथ एरोज। एंड एरोज के लिए मेरे को डेफिनेटली थेच काफी ज्यादा लगेगा। तो चलो गाइस और क्या चाहिए, फाइबर। ओके फाइबर गाइस अपने पास फाइबर काफी कम है, तो भाई संभल के यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस अपन लोगों ने अपने के लिए बो एक बना लिया ऑलरेडी, इतने से तो काम चल जाएगा। एंड इसके लिए मेरे को डेफिनेटली चाहिए होगा फ्लिंट, तो फ्लिंट अपने इस वाले बॉक्स में है काफी ज्यादा। तो लगभग गाइस मैंने 14 एरोज बनाए अपने के लिए, एंड मेरे को लगता है थोड़ा से और भी बनाने पड़ेंगे, बट अपने पास फाइबर नहीं है। फाइबर है थोड़ा सा, इसी को यूज करता हूँ। ज्यादा एरोज बना के चलूंगा, कहीं एरोज की कमी नहीं पड़नी चाहिए, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो ऐसे करते हैं हम लोग 20 बना लेते हैं। ओके गाइस यहाँ पे मैं लगभग 20 एरोज बना लिया हूँ अपने के लिए। आई थिंक अपना नार्कोटिक्स भी बन के रेडी हो गया होगा, चलो फटाफट से देखता हूँ। नार्कोटिक्स बन के रेडी हो गया, तो हम इसका जो है ना
ट्रैंक्विलाइजर एरोज बनाते हैं, और मुझे इसको ट्रैप करने के लिए बनाना होगा बोला वेपन। लगभग लगभग कितने बनाए, 5 या 6 बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ये झुंड में भी होते हैं, सो मैं इसको 6 बनाता हूँ। तो गाइज फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ उसको टाइम करने के लिए, एंड अब आएगा गाइज मजा। तो जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है मैं सारे का सारा वो यहाँ पे रखता हूँ। अभी क्या क्राफ्ट हो रहा है? ओके गाइज बोला वेपन, सो इसको क्राफ्ट होने दो। तो ओके गाइज यहाँ पे अपना सारे का सारा सामान बन चुका है, जितने भी अपनी इन्वेंटरी में सामान है जो जहां से हम लोगों ने उठाया था उसको वहीं पे फेंको। ठीक है, ये भी यहाँ पे फेंक देते हैं हम लोग, और अब चलते हैं गाइज हम लोग सीधा उसको टेम करने के लिए। एंड बोला वेपन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे रखता हूँ। एंड अभी मुझे नहीं लगता अपने स्पीयर का कुछ यूज आने वाला है, तो जितने भी मेरे वेपन है वो मैं इस बॉक्स में रखूंगा। ठीक है गाइज, तो हाँ गाइज अब रैप्टर को टेम करने के लिए मेरे को पता है डेफिनेटली रैप्टर अपने को इस वाली पहाड़ी में मिलेगा, बट मुझे जो है ना सबसे पहले नारकोटिक को एक्सेस देना है, और मैं लेके जाने वाला हूं अपना पैरासोरस। वो क्यों पैरासोरस? उसकी यार एक एबिलिटीज है। वो एबिलिटीज क्या है? एनिमी को डिटेक्ट कर सकता है। ओके लेवल अप आया है, तो सबसे पहले जो है ना मैं पैरासोरस का लेवल अप, पैरासोरस को तो नहीं है लेवल अप, तो मेरा है, बट मेरे पास फूड। ओके गाइस अपने पास फूड है, मैं फूड देखने लगा था, फूड क्योंकि था नहीं अपने में। तो हाँ गाइस मैं आपको पैरासोरस की एबिलिटीज बताता हूँ। तो हम लोग अगर माउस का राइट क्लिक करेंगे ना तो पैरासोरस एनिमी डिटेक्ट करेगा। देखो गाइस इसके अंदर डेफिनेटली मेंटस होंगे, चलो चल के देखें। ये था ओहो गाइस ये तो डॉल्फिन को एनिमी डिटेक्ट किया, बट डॉल्फिन तो अपने को मारेगा नहीं ना। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं, क्योंकि पिछले बार हम लोग यहीं से भाग के आए थे। बस आज कम से कम 2 पैरासोरस टेम हो जाए, मजा आ जाएगा भाई। अब रैप्टर की आर्मी बनानी गाइस, हम लोग रैप्टर की ब्रीड करने वाली आर्मी बनाए या फिर वैसी टेम करके। कम से कम रैप्टर की आर्मी में कितने रैप्टर्स होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। ओके इधर ही मिलेंगे, बट मुझे थोड़ा सा डाउट है। ओके यहाँ पे तो नहीं है अभी। हाँ एक एनिमी है ऊपर, रैप्टर ना हो यार, मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा। मैं बोला था यार गलत सीन हो गया। ओहो गाइस पूरे के पूरे एरोस लगा दिए, तब जाके अनकॉन्शियस हुआ। मेरे पास और एरोज नहीं है, मैं तो नहीं चाहूंगा मैं और को टेम कर पाऊं। सो जितने भी अपने पास ये एरोज है ना इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसके टीममेट्स तो आएंगे जरूर। भाई मुझे अपने पैरासोरस की मीट ही उठानी पड़ेगी यार, पैरासोरस बेचारा हमारा शहीद हो गया, बट कोई नहीं एटलीस्ट हमें यार। बट उससे पहले जो है ना मैं इसकी इन्वेंटरी से इसका सैडल निकालूंगा। भाई गलत सीन, चल भाई मीट दे दे, अब तू मीट ही दे अपने को। तो ठीक है यार अपन, मेरे को लगता है डेफिनेटली ये हाई लेवल का है। यप बॉयज काफी हाई लेवल का है। सो अभी अपने को थोड़ा सा ना चौकरना रहना पड़ेगा गाइस, चौकरना। ले तू ये मीट खा, थोड़ा सा नारकोटिक्स ले ले, जगना नहीं चाहिए तू। खा, वेरी गुड। ओ भाई ये तो 4% टाइम हो रहा है भाई, डेफिनेटली काफी टाइम लगेगा, बट ये जो थोड़ा सा टाइम है ना इसका मैं कुछ अच्छा यूज करना चाहता हूँ। बट इससे पहले ना इनको भी बजाना पड़ेगा यार, इनमें खुजली ज्यादा है भाई। भाई 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 ये हाई लेवल का है, मैं बोला था यार ये हाई लेवल का। गाइस गलत सीन हो जाएगा, मर गया मर गया मर गया भाई, बच गया। दूसरा भी आ रहा है? नहीं 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 दूसरा नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं अपने को इससे मीट मिल जाएगा। मुझे जो है ना सबसे पहले तो रैप्टर का सैडल देखना पड़ेगा। रैप्टर का सैडल भाई, रैप्टर। ओके गाइस ये रहा रैप्टर का सैडल, बना लेता हूँ फटाफट से। एंड जितने भी इसके साथी थे ना, मेरा मन तो कर रहा है गाइस इनको मैं टीम करूँ, बट हाइड गाइस 100 something हाइट चाहिए, वुड चाहिए एंड फाइबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई जानवर मिलेगा जिसको मैं मार सकूँ, मारने का ट्राई करूँगा, बट अपने वाटर लेवल काफी कम हो चुका है। आराम आराम से चलता हूँ गाइज, यहाँ पे देखता हूँ कितना परसेंट टीम हुआ ये। ओके गाइज हो जाएगा, मैं पानी पी के आता हूँ थोड़ा सा, हम लोग वो भी फार्म करके आ जाएंगे। एंड मुझे नहीं लगता यहाँ से मैं जा पाऊंगा। ओके हम लोग यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे,
मुझे यहाँ पे से जाना पड़ेगा छुप छुप के। ओ, मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे से निकलता हूँ, क्योंकि उधर उसके टीममेट्स थे ना। थोड़ा सा खाना खाना है। गाइस ये रे, ओ भाग 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 भाग, इधर इधर नहीं, इधर नहीं। भाई 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 वो तो उधर रह रे, भागना पड़ेगा यहाँ से। थोड़ा सा अपने को डिफिकल्ट हो सकता है, और मेरे पास इतना नार्कोटिक्स है नहीं गाइस कि मैं अभी इतने सारे टीम कर सकूं। तो मेरा प्लान है कि इनको जो है ना मैं ऑफलाइन टीम करूंगा, एंड अभी अपन लोग एक ही टीम कर लेते हैं। भाई देखो उधर कतलेआम मना के रखा हुआ इन्होंने, बट कोई नहीं। मेरे को जो है ना, मेरे को थोड़ा सा हाइट चाहिए। ठीक है, भाई ये इतना कम हाइट क्यों दे रहा है, जब अपने को हाइट चाहिए ना। अभी देखो हाइट नहीं मिलेगा, मुझे लगता है अपने को डोडोस को मारना पड़ेगा। ओके गाइस ये रहा, ये अपने को डेफिनेटली काफी हाइट देगा, बट इसका लेवल भाई, इसको मैं टेम करेगा, इसको मैं नहीं मारूंगा, इसको अपन टेम करेगा। 104 लेवल का है, बट अभी मैं थोड़ा सा ना भाई, इसको भूख बहुत लग रही है, चले खा ले पूरा ढंग से। भाई मैं सोचा था ना जो वो ही हुआ, बट उसने मेरे को बता दिया यार पहले। ये चीज हमारा प्रॉफिट रहा कि अपने को ना वो बता लिया था पहले ही। या मेरे को स्पाई ग्लासेस बनाना पड़ेगा ऐसे में। चलो 50% हो गया, अभी देखता हूँ मेरे सैडल बनने के लिए कितना सामान बाकी है। कि गाइस फाइबर थोड़ा सा और चाहिए, फाइबर तो अपने को यहीं से मिल जाएगा। चलो आगे चल के देखते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जिससे अपने को हाइड मिले। ये किधर भाग रहा है भाई, रुक। अरे ब्रदर वेयर आर यू रनिंग, वेट ब्रो। 48 लेवल का फिर भी डर के भाग रहा है भाई, तेरे से तो बढ़िया मैं ही हूँ। अपना एक जानवर मरवाया बट मैं पकड़ ही लिया, वो भी हाई लेवल का। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोगों ने अपना रैप्टर का सैडल बना लिया है, बस अपने को वेट करना है अपने रैप्टर का टेम होने का। रैप्टर को टेम होने के बाद हम लोग जाएंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है ना गाइस, हम लोग डेफिनेटली रैप्टर्स की आर्मी बना लेंगे। और अभी किधर गया, इधर ही था। और हाँ यार, जिन रैप्टर्स के मारा तो इसी ने था, इसके टीममेट को मारना पड़ेगा। नार्कोटिक्स तो खिला दिया था मैंने इसको, ले तू और खा, क्योंकि इसका अनकॉन्शियस लेवल कम हो रहा है। भाई भाई तेरा अनकॉन्शियस लेवल कम नहीं कर रहा, तेरे को हम लोग लेके जाएंगे। अपने को कितना लेवल मिलेगा, लगभग 40 का, लगभग 120 लेवल का हो जाएगा। यस गाइस यस, आई नो हम लोग कर सकते थे बट कर ही दिया। अभी बस मेरे को थोड़ा सा वेट करना है इसके टीम होने का। सो फाइनली गाइस, जो टाइम का हमके काफी लंबे टाइम से वेट था वो होने वाला है, एंड अपना रैप्टर जो है यहाँ पे टेम हो जाएगा लगभग 120 लेवल। क्या बोलते हो गाइस, कर दें फाइट दो रैप्टर के साथ जो इसके टीममेट थे। चलो चलते हैं भाई, देखेंगे। बट मेरे पास स्पाई ग्लासेस नहीं यार, अगर उनका लेवल अब ज़्यादा हुआ ना तो डेफिनेटली ये जाएगा। थोड़े से वेट करते हैं, अपन लोग ट्राई करेंगे उसको भी टेम करने का भी, बट सबसे पहले इसको होने दो, बस एक बाइट लेगा एंड फाइनली बूम बम टीम। अबे भाई कितना सोएगा यार, वो खा ले फटाफट। तो फाइनली गाइस अपना रैप्टर यहाँ पे टीम हो चुका है, फटाफट से नाम सजेस्ट करना जरूर इसका। ओ भाई हेल्पफुल है ना इसका। ओके गाइस इसको फटाफट से मैं सैडल इक्विप कराता हूँ। बैठे जा भाई बैठे जा, मेल है यार मेल। यप ब्रो, बूम 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 बूम। चलो गाइस अभी जो है ना इसको तो मैं सबसे पहले अपने घर लेके जाता हूँ, एंड डेफिनेटली अपना पैरासोरस गया है, सो अपने को एक पैरासोरस चाहिए। बट मुझे जो चाहिए था ना वाला पैरासोरस अपने को यहाँ पे मिला 104 लेवल का, बट यार नीचे जो है ना वो हैं, मेरे को उनसे थोड़ा सा डर लग रहा है। वो पैरासोरस इधर ही था लगता है, उसे भी मार दिया ये। नहीं ये रहा गाइस ये रहा, रैप्टर्स देखो वो रहे। सो अपन पहले क्या करें, पहले रैप्टर्स पकड़ें, बट मुझे लगता है हम लोग उन्हें बाद में पकड़ेंगे, पहले इनको सेव करेंगे। मेंटस ना मारे नीचे से इसको, यार अपने पास बेरीज नहीं है गाइस। सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। भाई तू यहाँ पे रुकना, तो कहीं को आ रहा है। ओके गाइस अपने पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लूट है, बट अपने पास बेरीज नहीं है, एंड अपने पास मोटू भी नहीं है जो अपने के लिए बेरीज वगैरह फार्म कर सकें। सो मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही बेरीज फार्म करता हूँ। भाई नार्को बेरीज ना काफ़ी कम मिलता है, इसका काफ़ी ज़्यादा लफड़ा है। अगर अभी अपना मोटा बचा हुआ रहता ना,
अबे ओए ये इधर कई को आ रहा है, लगता है फाइट लेना पड़ेगा। लेट्स गो मेरी आर्मी, आ जाओ, चलो लेट्स गो अटैक। नहीं 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 अटैक नहीं, अटैक नहीं, अटैक नहीं, बैठ जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भाई। नहीं मेरे को ना थोड़ा सा डर लग रहा है गाइस, पर वो इधर आए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। बैटर ओके गाइस, चलो वो उधर गया। मैं ट्राई करता हूँ कि अपन लोग जो है ना थोड़े से ड्रग्स बना के उन्हें पकड़ लें, बट यार थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। बट हम लोग स्लिंग शॉट यूज़ कर सकते हैं, हाँ स्लिंग शॉट बेटर रहेगा, बेटर ऑप्शन से हम लोग स्लिंग शॉट से उसको टेम करने का ट्राई करें। एंड मैं जो है ना कम से कम दो स्लिंग शॉट बना लेता हूँ अपने के लिए, मुझे बोला वेपन्स चाहिए होंगे लगभग एक दो तीन चार। तो ओके गाइज यहाँ पे चार बोला वेपन्स हम लोगों ने क्राफ्ट कर लिया, अगर यहाँ पे ट्रैप से छूटेगा भी तो हम लोग उसको ईजिली पकड़ लें। अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ। एंड अपन लोगों ने जो चाहिए था वो लगभग बन के रेडी हो चुका है, तो इसकी अपने को अभी ज़रूरत नहीं है। एरोज़ की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, लेट्स गो। तो मैं ट्राई करूँगा कि इनको अबे बट अपना वेट इतना ज़्यादा कैसे हो गया। ये ड्रॉप कर दो, ये भी ड्रॉप कर दो, ये भी ड्रॉप कर दो, ठीक है गाइज। बट अपना स्लिंग शॉट किधर है दूसरा, वो यहाँ पे है, इसको डालता हूँ मैं चौथे नंबर में, इसको रखता हूँ पाँचवें नंबर में। भाई ठीक है मैं लगभग रेडी हो चुका हूँ गाइज, एक ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बोला करूँगा दोनों को, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ, इसको मैं अपने बेस से थोड़ा सा दूर लेके चलूँ, क्योंकि अपने रैप्टर्स में अटैक कर दिया तो रैप्टर का बचना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनका लेवल हाई डेफिनेटली हो सकता है। भाई 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 भाई, भाई। हो गया हो गया, ये चार लेवल का है गाइस, ये भी अनकॉन्शियस हो जाएगा जल्दी। मेरे पीछे भागेगा वो, बोला वेपन, बोला वेपन, ये रहा, आएगा आएगा। Where are you? Come on, baby. आगे आगे ले भाई, किधर 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 किधर, तेरे को तो आराम से मारूंगा। ओहो गाइस 40 लेवल का है, अपनी रैप्टर आर्मी डेफिनेटली तैयार हो गई बनने के लिए। एंड हम लोग इनकी ब्रीडिंग करके और रैप्टर्स भी बना सकते हैं इनसे। अबे ये भाग रहे किधर किधर किधर, आजा आजा आजा, अरे नहीं यार। ओके गाइस कमिंग, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, लेट्स गो। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, किधर भाग रहा था तू, किधर किधर ले गया, नाक तोड़ दी भाई पत्थर मार मार के इसको। What the heck यार, ये मर गया बेचारा। चल तू मीट ही दे ले भाई, मैं तो सोच रहा था इसको टेम कर लूंगा, बट कोई नहीं गाइज अपने पास दो रैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है इसको थोड़ा सा मैं देता हूँ। एंड अभी अपने को फोकस करना है उसमें, ये तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि कम लेवल का है। चल भाई तू खा ले आराम से, एंड मैं पैरासोरस में निकलता, नहीं छोड़ो गाइस पैरासोरस को हम लोग कल करेंगे, एंड इसको लेके जाऊंगा मैं अपने बेस में। गाइस यस हम लोगों ने टीम कर लिया, चल भाई मेरे दोस्त। ओके इसका लेवल अप मिला है, हेल्थ में देखूंगा, इनकी हेल्थ काफी कम होता है।
भाई पिंक कलर का सप्लाई क्रेट है। ओके ये भी हो गया आई थिंक। ये भी मेल होगा। यप 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 हाँ मेल है। अपने को फीमेल चाहिए थी गाइस बट कोई नहीं कुछ भी मिला गाइस एटलीस्ट है अपने पास। आ जा भाई तू भी। ओके आ रहे हैं। पहले तो हम लोग जो है ना वो लेके आते हैं बट मेरे को अपना बैग से थोड़ा सा सामान स्टोन्स ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है चलो यार अभी अपन लोग चलते हैं फटाफट से एंड वो लूट के आते हैं। इसको पकड़े ले यार। अटैक कैसे मारेगा ये लूट के आऊं इसमें क्या है। तो चलो गाइस देखते हैं इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा। बट यहां पे ना वो होती है मेगा पिरानास इनसे थोड़ा सा डर लगता है। अब मैं बोला था ये देखो ये ओए ओए मर गया ये मरेगा। बेटे मार दिया इसने। वेरी गुड माय दोस्त। ऐसे तो दोस्त की गाइस जरूरत है अपने को इस गेम पे जो अपने को प्रोटेक्ट कर। ये किधर जा रहा है भाई। ये सैलमन मछली सैवर टूथ सैलमन। इसका वेट भारी हो गया। मार बैंक्स की टैंट को। इसको थोड़ा सा ना अपने को खाना खिलाना पड़ेगा इसकी वो बनानी पड़ेगी। अबे भाई किधर आ जाओ। वेरी गुड कम ऑन। अबे भाई ये सबको मार के रहेंगे। आ जा भाई तू आ घर चल भाई। अपने को ना ये इसका वेट काफी ज्यादा हो गया है। सबसे पहले तो इसका वेट मैं बढ़ाता हूँ मैं। ठीक है चलो अब चल पाएगा। नहीं यार अभी भी वेट काफी ज्यादा है मुझे अपना ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसे करता हूँ जो अपने पास सैडल है ना पैरासोरस की वो अपन लोग रख देंगे इसकी इन्वेंट्री में क्योंकि सैडल्स का वेट काफी ज्यादा होता है। ठीक है अब ठीक है चलो भाई। तो फाइनली गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आज जो है ना हम लोगों ने जैसे तैसे करके दो रैप्टर्स यहाँ पे टीम कर लिए। अभी अपने को रैप्टर्स आर्मी बनाने के लिए कम से कम 3 रैप्टर्स और चाहिए जो कि हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बट बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते गाइस हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।